इमरान बोल रहा है, वो इमरान जो हिंदुस्तान का इमरान है, वो इमरान जो हिंदुस्तान में मुसलमान है, वो इमरान जो हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत करता है, वो जब बोलता है तो शायद यूं बोलता है। मैं पढ़ता हूं एक नज़्म साहब के, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। थोड़ी देर सुनने जैसा सुन लीजिएगा, आज मैं बदमाशी नहीं कर रहा हूं, आज मैं शायरी सुनाने के मूड में आया हूं। एक नज़्म सुनाता हूं कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कलम ने जमहूरियत का जश्न मनाया है, वो जमहूरियत जिसे खत्म कर देना चाहती है हुकूमत। तब मैं ये नज्म पढ़ता हूं दुआ के तौर पे। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, भारत का इमरान, इमरान तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले दो मिसरे पुकारते हैं आपको। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। मैं फिर से पढ़ता हूं, जब मैं ये मिसरे कह रहा था तो तमाम चेहरे जो हिंदुस्तान की सियासत और समाज के मेरी आंखों से गुजरे थे, उसमें एक चेहरा अजरुद्दीन साहब का भी था। जब मैं ये मिसरे कह रहा था तो मुझे लगा था कि शायद कभी अजरुद्दीन साहब ने भी ऐसा सोचा रहा होगा, जब कटघरे में खड़े किए गए, जब मीडिया ने बिना कुछ सोचे समझे प्रोपेगंडा खड़ा किया। मैं पढ़ता हूं और मैं चाहता हूं कि बाद में अदालत ने जिस तरह से उनके साथ इंसाफ किया, उस इंसाफ के लिए तालियां उनके दामन तक जाएंगी। मैं पढ़ता हूं साहब, तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का मैच था एशिया कप का, तो जैसे हमेशा चुभते हुए सवाल उछलते हैं, मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में किसी ने मैसेज किया और लिखा कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तुम तो उन्हीं की तरफ होगे। ये वो सवाल है जो शायद हर चौथे दिन तीसरे दिन हमें आपको सुनना पड़ता है। मेरे पास जवाब में कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैंने एक तस्वीर जवाब में पलट के भेजी। एक तस्वीर थी जिसमें एक शख्स हज करने गया हुआ है हिंदुस्तान का, और वो खाने काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथों में तिरंगा है। मैंने वो तस्वीर पलट के भेजी और नीचे सिर्फ इतना लिखा कि मेरे भाई मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांग रहे, मेरे भाई तुम्हारा जवाब ये तस्वीर है, और बस इतना समझ लो कि हमने तो वहां भी तिरंगा फहराया है जहां तुम्हारी औकात भी नहीं है कदम रखने की। 2019 के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना समीकरण बनाने में जुट गई हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दे को जनता तक अपने तरीके से पहुँचाने में भी लगी है। साथ ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। आपको बता दें कि मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मुंबई कांग्रेस द्वारा मुशायरे का आयोजन किया गया, जहां पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन, मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष बब्बू खान, रईस लक्सरिया, फिरोज शाह, जावेद खान सहित कई जाने माने शायरों और कवियों ने शिरकत की। इस मौके पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि
आज यहां पर मौजूद सभी लोगों को 2019 के चुनाव के लिए संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुशायरे के आयोजन के लिए कांग्रेस नेता फिरोज शाह और रईस लश्करिया को बधाई दी। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि इसकी अनुमति नहीं और आप अनुमति नहीं देंगे, अब मुझे चाहिए भी नहीं अभी, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज की ये महफिल जो सजाई गई है उसके पीछे एक सोच है और वो सोच इमरान भाई पेश करेंगे। आज लगभग पौने पांच वर्षों से, बल्कि दो महीने कम पांच वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल है अब आबाद होने का एक संकल्प लेना पड़ेगा आज के इस महफिल में, क्योंकि छोटी मोटी बातें नहीं है, जानबूझ करके आपकी जातीय जिंदगी में दखल दिया जा रहा है। आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये आज की सरकार तय कर रही है। जो हमारी मुस्लिम समाज की हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी हम कुर्बान कर देंगे, लेकिन वो लोग जो अपनी बीवी का हिसाब किताब नहीं संभाल पाए वो दूसरों की बीवियों का हिसाब। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये वही लोग हैं जब हिंदू कोड बिल बन रहा था तब रस्ते पे उतर के दंगा फसाद करते थे। नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल लाया, पूरे दिल्ली में आग लगा दी थी उन्होंने, और आज जब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आ रही है तो पूरा देश इसके खिलाफ है, लेकिन वो जबरदस्ती आपके दिलों में कांटा चुभाने के लिए हरकत कर रहे हैं। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं। और जो माताएं, जो मेरी बहनें इनकी बातों में आ रही है, उनको मैं इतना याद दिलाऊंगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने मॉब लिंचिंग की शिकार जुनेद की अम्मी को बुलाया था, जो जेएनयू में रातों रात लापता हो गया, ऐसे नजीब की अम्मी को बुलाया था, और दोनों माओं ने एक तकलीफ बताई कि पूरे हिंदुस्तान में हमें सब मिल गए, नरेंद्र मोदी आज तक नहीं मिले। तो अगर इतनी ज्यादा आपको मुस्लिम माओं की, मुस्लिम महिलाओं की, माताओं की, बहनों की चिंता है तो सबसे पहले नजीब और जुनेद की अम्मी से मिलो और उसका दर्द दूर करके दिखाओ। क्या बात है, क्या कह रहे हैं। ऐसे बहुत मुद्दे हैं। ये जो मुझे भी एक लाइन याद आ गई इमरान भाई मतलब सच पूछिए, बोलते बोलते मुझे याद आया दुष्यंत कुमार की लाइन कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ठीक बोल रहा हूं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आइए आग जलाते हैं सेकुलरिज्म की आग, भाईचारा, एक दूसरे के साथ जीने की आग, और जो लोग मोहब्बत की आग, और जो लोग नफरत फैला रहे हैं दिल्ली से लेकर मुंबई तक, उनको उस मोहब्बत की आग में जलाकर राख कर दिया जाए। आज की महफिल का संकल्प यह होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब, उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से आज मुशायरा रखा गया, क्या ये 2019 की तैयारी मानी जाए? नहीं, मुशायरा तो अलग है। देखिए, मैंने समझता हूँ कि कोई इसको पॉलिटिकल फंक्शन से जुड़ना चाहिए, मुशायरा था, लोगों के लिए खेला रखा गया था, वो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि लोग यहाँ के बहुत से लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मुशायरा, ऐसे मुशायरे और शेर शायरी बहुत होते हैं, क्योंकि लोग यूपी से, बिहार से इतने लोग ज़्यादा है, उसी वजह से मुशायरा रखा गया, और खैर में लोगों ने उसको ज़्यादा इन्जॉय किया, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, और ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा मुशायरे होने चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि पॉलिटिकल एंगल ना दिया जाए, लेकिन मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष ने एक संकल्प लेने की बात कही, और हमने मुशायरे में भी देखा कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई, जो शायरा चाहे इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें।
देखिए शायर तो वो अपने शायर जो भी बात करेंगे उसके जिम्मेदार तो कोई हो नहीं सकते, हो तो उनका वो शायरी करते हैं उनके घर, तो मैंने समझते उसमें ज़्यादा हमको उसमें ज़्यादा उतना हर चीज़ में हम पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। 2019 के चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने समीकरण रोटी सेकने से पीछे नहीं आ रही हैं। जहां अगर बात करें तो एक बूथ 10 यूथ का नारा बीजेपी का है, वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी तैयारी में हमारे साथ मौजूद है। मुंबई माइनॉरिटी के अध्यक्ष बब्बू खान, उनसे जानते हैं। बब्बू भाई, जिस तरीके से मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा था राइफल डील का जो घोटाला है वो हम स्ट्रीट पे के जरिए करेंगे, लेकिन आज मुशायरे की अगर हम बात करें तो मुशायरे के जरिए यहाँ मौजूद लोगों में काफ़ी अलग संदेश गया, क्योंकि लगातार मुशायरे के जरिए जो यहाँ पर पोएट थे उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है बीजेपी सरकार को घेरा। क्या कहेंगे, ये मतलब मुशायरा महफिल था या चुनावी ऐलान का महफिल था? नहीं, ये मुशायरा था, और मुशायरे में शायर जो होते हैं वो हकीकत बोला करते हैं, और यहाँ भी जो बीजेपी ने किया है वो लोगों को उनको आईना दिखाया है। कुछ ऐसा चुनावी कुछ मुद्दा नहीं था, जो अगर सच कहना अगर चुनावी मुद्दा है तो है, उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम जी ने कहा कि आज एक संकल्प लेना है, तो किस तरह का संकल्प लिया गया? यही संकल्प लेना है कि आज से अब शुरुआत है कि जो अच्छे दिन का वादा करके जो लोगों के ऊपर बैठे थे अभी उनको नीचे उतारना है, यही संकल्प लेना है यहाँ से। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं अगर बात की जाए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को लेकर, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव अब सर पर है? ये तैयारियां ही हैं, ये मुशायरा भी एक शुरुआत है, और अभी 30 तारीख को हम लोग जो जोगेश्वरी ईस्ट ईदगाह ग्राउंड पे भी हम एक नया मुशायरा करने वाले हैं, उसमें भी इमरान साहब और हमारे AICC चेयरमैन नदीम जावेद साहब, संजय निरुपम जी, ऐसे काफ़ी लोग वहाँ भी आ रहे हैं। और अगर इस तरीके से हकीकत लोगों को जब बयान की जाएगी तो फिर आप लोग बोलना कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है और चुनावी तैयारी नहीं है। करना तो है, जब चुनाव है तो तैयारी भी करेंगे, उसमें कोई डर नहीं है, और तो तरीका कोई भी हो सकता है, वो मुशायरा हो या और भी कोई हो सकता है। बात अपनी पहुँचानी है, तरीका चाहे जो हो, वो भी हो, ये हकीकत है, आपने हमारे दिल की बात बोल दी। क्या आने वाले समय में धरावी के लोगों को भी मुशायरे की जो है लुत्फ़ उठाने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, 4 से 5 तारीख के बीच में इमरान प्रतापगढ़ी धरावी में भी आ रहे हैं मेरे क्षेत्र में, मैं इंशाल्लाह वहाँ भी तैयारी कर रहा हूँ, और हम लोग इमरान प्रतापगढ़ी को मुंबई के हर कोने में ले जाएंगे, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान है कि जो सही तरीके से लोगों को समझाते हैं। माना जाए कि इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस मुंबई कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी साबित होंगे? नहीं नहीं, मुंबई कांग्रेस नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान के होंगे, चिंता मत करो। बिल्कुल, यानी ये कहा जाए कि इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो मुंबई के तमाम ऐसे इलाके में जाएंगे जहां से कांग्रेस के लिए प्रचार की बात की जाए तो गाने के माध्यम से जो बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम सभी देशवासियों को और सभी भाइयों को मिलकर संकल्प लेना है यहाँ पर कि आने वाली जो सरकार है 2019 में ये कांग्रेस की सरकार बने, कि ये 2014 में जो मोदी की सरकार जो बनी थी उसे जितने भी वादे किए थे सारे वादे उन्होंने झूठे किए, अब उनको उनको सबक सिखाने का समय आ गया है, और हम सब भाइयों को एक होना पड़ेगा और एक होकर एक झंडे के नीचे कांग्रेस के नीचे हमको आना पड़ेगा और कांग्रेस को जिताना पड़ेगा और राहुल गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। ये मुशायरा तो एक झांकी है, लड़ाई अभी बाकी है। अभी आप देख रहे हैं कि एक मुशायरे से इतनी पब्लिक जमा हो रही है, तो सोचो जिसने दहाड़ लगेगी इलेक्शन की, क्या इलेक्शन घोषित हो गया और ये तारीख को इलेक्शन है, तो देख रहे हैं पूरा भारत का पूरा भारतीय सारे भारतीय उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाएंगे और सब एक होकर कांग्रेस को उठेंगे और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोजित मुशायरे की इस महफिल में शायरों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी शायरी पेश की, तो वहीं मशहूर शायर और कवि इमरान प्रतापगढ़ी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। उनकी शेरो शायरी सुनकर वहां मौजूद लोगों ने जमकर आनंद लिया। पिछले 20-25 साल से सीधे साधे देवता श्री राम के नाम पर ये जनता को बरगलाते रहे, लेकिन इस बार इन्होंने गलत देवता को छेड़ दिया, एक गुस्से वाले देवता को छेड़ दिया। उसके बाद ये हश्र हुआ, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, के भक्त गणों को डाल दिया है नेताओं ने शंका में, 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में, 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में, दलित बताकर पवन पुत्र को छेड़ रहे थे योगी जी, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में, हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में।
हनुमान ने आग लगा दी बीजेपी की लंका में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। इसी तरह सुनते रहे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। और ऐसे ही फिरोज शाह साहब जैसे लोग, रईस भाई जैसे लोग मुशायरा करवाते रहेंगे तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ अगले चार मिसरे पढ़ने चल रहा हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। बस थोड़ी सी इसी तरह से आपकी शिरकत होती रहे। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में, कहने के लिए तो मुंबई के लोग, लेकिन इस भीड़ में पूरे हिंदुस्तान के लोग बैठे हैं। मैं जानता हूं कि मेरी आंखों के सामने पूरा हिंदुस्तान बैठा है। संजय भाई जो बात कह रहे थे, एक नया संकल्प लेने की, एक नई सोच लेने की, मैं तो आपसे बस इतना कहता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि एक फकीर जो है उसकी जीत से बेखबर अलमस्त सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और फकीर के पास गया और उसे जोर से एक लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है, तुझे सिकंदर की फतेह नहीं मालूम। उस फकीर ने अपनी उनीदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? आने वाले दिनों में जब ईवीएम की कतार में लगिएगा तो इसे जरूर याद रखिएगा कि अगली बार भी कहीं बादशाहत ऐसे ही ना सौंप दीजिएगा, वरना 5 साल लात खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ये एक सच्चाई है जिसे तस्लीम करना चाहिए। वो तो साहब लाल किले की प्राचीर पे खड़े हो या फिर राजपथ पर झांकियों की का विवादन ले रहे हो, कितने सलीके से कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। हालांकि कब वो 500 का राफेल 1600 करोड़ का हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं तो चार मिसरे पढ़ता हूं साहब, उनसे मुखातिब होकर उनकी आंख में आंख डाल के, कि ये धुएं की लकीर मत बेचो, ये धुएं की लकीर मत बेचो, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो, मोदी जी आपसे गुजारिश है। अब यहां से वहां तक उठे आपका हाथ, मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो जमीर मत बेचो, जमीर मत बेचो। संजय भाई, ये जो फिरोज भाई हैं, इनके नाम के साथ शाह लगा हुआ है तो मुझे कभी कभी लगता है कि अमित शाह वाला शाह तो नहीं है, लेकिन कुछ भी हो बंदा बिजनेसमैन बहुत बड़ा। मालाएं भी ऐसी बनवाई कि एक गले के अलावा दूसरा इसमें कोई शामिल नहीं हो सकता, मतलब इतनी छोटी माला कि एक गले में भी मुश्किल से जाए, इसको कहते हैं बिजनेसमैन। अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे। एक बार इन्हीं तरह का एक शख्स जो है, मतलब वो ट्रेन में सफर कर रहा था, उनके साथ एक यूपी वाला और भाई सफर कर रहा था, एक मुंबई का भी साथी सफर कर रहा था, तीनों आपस में बहस करने लगे, बोले हम जिंदगी को जीते हैं, ऐश के साथ जीते हैं। तो फिरोज भाई ने कहा साबित करो कैसे जीते हो, तो उसने 500 की नोट निकाली, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया, जला के पीने लगा, बोला देखो हम लम्हे भर में 500 की सिगरेट पी जाते हैं। जो दूसरा बैठा था उसने कहा अच्छा तुम 500 की सिगरेट पी रहे हो, उसने 2000 की नोट निकाली, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और पीने लगा, बोला हम लम्हा भर में 2000 की सिगरेट पी जाते हैं। अब दोनों फिरोज भाई की तरफ देखने लगे कि 500 से 2000 से बड़ी तो नोट भी नहीं बनाई मोदी जी ने, अब क्या करोगे। लेकिन फिरोज साहब तो फिरोज साहब है, इन्होंने चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ के जला के सिगरेट पीने लगे, बोले देखो हम लम्हा भर में 5 लाख की सिगरेट पी जाते हैं। ऐसे हैं मोहतरम फिरोज साहब और उनकी जोड़ी जो है रईस भाई के, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये बिल्कुल जय और वीरू वाली जोड़ी है जो गब्बर सिंह को मारने के काम आएगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो जमीर मत बेचो, चाय बेचो जमीर मत बेचो। और मैं किस बुनियाद पे ये मिसरे पढ़ रहा हूं,
के खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। इधर वाले तो दांत दे रहे हैं, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आपकी भी शिरकत हो, ऐसा ना लगे कि आप कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, आपकी भी जिंदगी हम सब तक पहुंचे। मैं पढ़ता हूं साहब, के खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया, जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है। अगले दो मिसरे पुकारते हैं आपके जुनून को, जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। अच्छा फिर से पढ़ना है, खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया, जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। के उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं मुद्दे आपके बीच में रखता हूं, मैं वो चीजें आपको याद दिलाता हूं जिन्होंने आपको परेशान किया है। याद रखिएगा 125 मौतों का वो तोहफा जो आपको एक पगलाए हुए तानाशाह की सनक ने इस मुल्क को दिया है। मैं पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब, के उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है, रुपये के क्यों दाम गिर गए, ये सवाल भी खो जाएंगे, शहरों के बस नाम बदल दो, लंदन पेरिस हो जाएंगे, राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद में बड़ा जोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। राजस्थान में चार दोस्त बेरोजगार रेलवे के किनारे किनारे टहल रहे थे, ट्रैक के किनारे, मायूसी इतनी थी कि सामने से ट्रेन आ रही और चार के चारों दोस्त ट्रेन के सामने कूद गए, चार मौतों का तोहफा बेरोजगारी के नाम पे। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब, के भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, बड़ी कमजोर तालियों में सुन रहे हैं आप, भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, नई नस्ल ने जितवाया था, उनकी ही नौकरी खा गया, नई नस्ल के हाथ में काम भी दिया तो व्हाट्सएप का काम दिया,
सोशल मीडिया पे प्रोपेगंडा फैलाने का काम दिया। हर हाथ को काम तो दिया है मोदी जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन काम भी दिया है सोशल मीडिया पे प्रोपेगंडा फैलाने का। भाई एक लड़के ने, संजय भाई, एक दिन अपने पिता को बुला के कहा कि पिताजी आपको पता है फेसबुक पे मेरी 15 फेक आईडी है। तो बाप ने कहा भाई 15 फेक आईडी का तू करता क्या है? तो बेटे ने कहा मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, जो भी मोदी जी के बारे में फेसबुक पे कहीं कुछ इधर उधर लिखता है मैं उसे अलग अलग फेक आईडी से गाली देता हूँ। तो बाप ने कहा ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है? तो बेटे ने कहा कि वो पिछले 2 महीने से जो आप कोमल भाभी नाम की एक आईडी से चैट कर रहे हैं वो दरअसल मैं ही हूँ। ये काम दिया है। तो मैं मिस्र बोलता हूँ साहब के भारत की बेहतरी खा गया, सब्जी की टोकरी खा गया, नई नस्ल ने जितवाया था उनकी ही नौकरी खा गया। अंबानी के हाथों में अब उठे आपकी तालियों का शोर। मैं जानता हूं ये मिसरे पढ़ना बड़ा हिम्मत का काम है, लेकिन ये हिम्मत मुझे संजय निरुपम साहब जैसे अच्छे नेताओं की वजह से मिलती है। मैं इसलिए ये मिसरे पढ़ता हूं कि अंबानी के हाथों में अब साहेब जी की बागडोर है, मेरा चौकीदार चोर है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।